हेलो वेलकम टू टीम नेशन तमाशा, जानते हैं 22 जनवरी का इतिहास और बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, आपका भी बर्थडे, तो आइए तमाशा देखते हैं। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे teamnationtamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद। 22 जनवरी 1673 बोस्टन एवं न्यूयॉर्क के बीच डाक सेवा की शुरुआत हुई। 22 जनवरी 1673 में 22 जनवरी 1963 देहरादून में दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई। 22 जनवरी 1963 में 22 जनवरी 1965 पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस्पात कारखाना शुरू हुआ। 22 जनवरी 1965 में 22 जनवरी 1992 डॉक्टर रोबर्टा बॉन्डर अंतरिक्ष में जाने वाली कनाडा की न्यूरोलॉजिस्ट और पहली महिला बनी। 22 जनवरी 1981 रोनाल्ड रीगन का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण हुआ। 22 जनवरी 1981 में 22 जनवरी 1972 इस्तांबुल की पूरी आबादी को 24 घंटे के लिए नज़रबंद किया गया। 22 जनवरी 1972 में 22 जनवरी 1970 बोइंग 447 का लंदन एवं न्यूयॉर्क के बीच पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई। 22 जनवरी 1970 में 22 जनवरी 1968 अपोलो 5 ने पहले लूनर मॉडल के साथ अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी थी। 22 जनवरी 1968 में 22 जनवरी 1905 रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मजदूरों पर गोलियां चलाई गई जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा लोग मारे गए। 22 जनवरी 1905 में 22 जनवरी 1973 नाइजीरिया में जॉर्डन एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें लगभग 200 यात्रियों की मृत्यु हुई। 22 जनवरी 1973 में जानते जन्मदिन 22 जनवरी 1972 भारतीय अभिनेत्री नर्मदा शिरोडकर का जन्म हुआ। 1970 भारतीय अभिनेत्री अश्विनी काल शेखर का जन्म हुआ। 1976 भारतीय गायक टीएम कृष्णा का जन्म हुआ। 1975 भारतीय अभिनेत्री ऋतु शिवपुरी का भी जन्म हुआ। इनको इनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन अगर आपका भी जन्मदिन है तो आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक, हैप्पीनेस, लव, सक्सेस, हेल्थ और स्ट्रेंथ आपके जीवन में भर भर के आए। हमेशा खुश रहो। 22 जनवरी को जन्मे हुए लोग राशि कुंभ यानी एक्वेरियस, वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट बहुत इनोवेटिव होते हैं, बहुत एडमायर्ड करते हैं और थोड़ा सा विलक्षण भी होते हैं, शनि की स्वभाव के होते हैं। आपकी राशि कुछ और भी हो सकती है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, वो भी आप चेक करवा लें। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश कैलेंडर यानी रोमन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में इतना ही। आप अगर जानना चाहते हैं और दिनों का भी इतिहास तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे सारी वीडियो देखने के लिए। टाटा बाय।